लड़की भी ना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी कॉलेज जाती है? क्या तुम्हें बताओ कहाँ जाती है फिर वो? पिछले हफ्ते केबल टीवी वाले लड़के के साथ बीच पर घूम रही थी, रमेश ने मुझे बताया। सुनो चुप करो, खबरदार दोबारा मेरी बेटी के बारे में कुछ गलत कहा तो अच्छा नहीं होगा। चिड़िया को कुछ बोलो तो बड़ी चिड़िया को गुस्सा आता है। क्या क्या कहा आपने? हाँ मैंने कुछ नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा खून मेरे जैसा ही होगा। जाओ नाश्ता करो। भंगार, सच्ची बात कहने का तो जमाना ही नहीं रह गया है, जिसको कहो गुस्सा ही हो जाता है। कैसा लग रहा है? अच्छा तो है। किसका ऑटो है? क्या किसका ऑटो है? अरे ये हमारा ऑटो है, ये ऑटो हमारी जिंदगी में बदलाव लाएगा। ऑटो चलाकर पैसे कमाने की बात छोड़ो, वो केबल के काम का क्या हुआ? अरे छोड़ो, केबल का काम कोई कलेक्टर का काम है क्या? जब देखो खंबे पर चढ़ो उतरो, बहुत रिस्क है उस काम में, इसलिए वो काम छोड़कर मैं ऑटो चलाने लग गया। वहाँ काम करते थे तो कम से कम पगार तो मिलती थी। महीने में 10,000 ये कोई पगार होती है क्या? ये ऑटो चलाकर कितना पैसा कमाता हूँ ये देखना तुम। हाँ पहले सिक्योरिटी में काम किया, फिर केबल में काम करने लगे और अब ऑटो चलाने लगे। इतनी पढ़ाई की है तो कोई जॉब क्यों नहीं तलाश कर लेते तुम? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब समझोगे तुम? हाँ ओ प्रिय, ये भाषण बंद हो गया तो अब चलें क्या? हेलो, कहाँ हो तुम? मैं चर्च के बाहर हूँ और किड्सन अंदर प्रे कर रहा है। चर्च में? लेकिन बगल से तो कुछ और ही आवाज आ रही है। कौन है वहाँ? झूठ मत बोलो, कहाँ हो तुम? I'm at the church, damn it. Huh? Damn it. शिवा, मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। Hi, I'm James. शिवा, मेडिकल टूरिज्म कर रहा है? हेलो, अभी 10 मिनट के बाद सर का फोन आएगा तो कहना मैं अभी आई हूँ। हाँ। अगर मुझसे बात करनी है कहेंगे तो कहना मैं नहा रही हूँ। हाँ। अगर दोबारा 10 मिनट के बाद फोन करेंगे तो कहना मैं सो रही हूँ। ठीक है मालकिन। सो आज तुमने क्या प्रे किया? एक विक्ट्री नाम का बैट्समैन है, सुपर बैट्समैन है, वो बीमार होना चाहिए ऐसा प्रे किया। तुम्हारी टीम जीत जाए ये प्रे करना चाहिए था। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी बिगाड़ने के लिए प्रे करना गलत बात है। तुम हार्ड वर्क करो, जीत तुम्हारी होगी। हेलो, कैसा लग रहा है मेरा लुक? सत्या, हा? वो जो मर्डर हुआ है मुझे नहीं लगता फैमिली इश्यूज की वजह से हुआ, लगता है जरूर उस साइको किलर ने ही ये खून किया होगा। देखो मालिनी, इस खून वाले केस को लेकर होम मिनिस्टर काफी फजीहत कर रहे हैं। अगर हमने कहा कि ये साइको किलर का काम है तो कहानी खत्म। इसलिए तुमने ये बता दिया कि ये फैमिली इशू था, कुछ और भी तो बता सकते थे ना? जिसकी डेथ हुई है उसका बेटा फॉरेन में रहता है, उसको इन्फॉर्म करने के लिए हमने उसका नंबर ढूंढा और उसे फोन करके इन्फॉर्म करने की कोशिश भी की, लेकिन फोन कट कर दिया उसने। दोबारा फोन किया तो फोन स्विच ऑफ। तो सोच लो इनके लिए कितना प्यार उसके मन में होगा। इसलिए मैंने पारिवारिक झगड़े का नाम दे दिया ताकि वो न्यूज सुनकर भागा चलाए। इतना ही नहीं, उस घर में रहने वाले 3 सदस्य हैं, लेकिन वहाँ बॉडी मिली सिर्फ 2 लोगों की। जल्द ही ज्वाइन हुआ सिक्योरिटी मिसिंग है। मुझे सिक्योरिटी वाले के ही ऊपर डाउट है। इन केस अगर मेरा डाउट सही है तो सिक्योरिटी वाला जरूर आएगा। जो अपने दिल पर लेता है वो साइको किलर बन जाता है। देखा है उस साइको के बारे में? ये साइको बता रहा है। ए मीनाक्षी, तुम्हें विसल बजाना आता है? दादी माँ, मुझे बजाना आता है। भाई मुझे जो पता था साइको के बारे में वो मैंने बता दिया। ए विक्टर की माँ रुको, तुम अपने आप को समझती क्या हो? आप खुद तो घर पे रहती नहीं हो और आपका बेटा मुझे देखकर भाग जाता है। नहीं मुत्तू का क्या है कि? क्या ये मुत्तू, क्या वो मुत्तू? काम करके पैसा कमाती हो ना तो किराया देने का मन नहीं करता क्या? नहीं, वो मेरे पास अभी 1200 रुपए है, लेकिन वो भी मैंने अगले महीने की पगार एडवांस में ली है। आजकल मुझे पगार बराबर नहीं मिलता तो इसमें। बस करो, मुझे तुम्हारी परेशानी की कहानी नहीं सुननी है, मेरी भी बहुत परेशानी है। जल्द से जल्द बाकी के पैसों का इंतजाम करो। सब कुछ तुमने छीन लिया है तो क्या करेगी? कुछ तो वापस करो। बुड्ढी अपना मुंह बंद रखना। एक काम कर, तू घर के बाहर धर्मशाला का बोर्ड लगा दे। कैसा नसीब है मेरा, कैसी मां मिली है, कर्म फूट गए मेरे। मीनाक्षी बुरा मत मानना, इसके पास भी कहीं और से पैसे नहीं आते इसलिए इतना गुस्सा करता है। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अगर मेरा बेटा ठीक तरीके से काम करता तो मुझे ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। मैच बहुत जबरदस्त था। चलो भाई कल मिलते हैं, निकलो ना। माँ खाना क्या बनाया है? क्या रे,
तेरी माँ काम पर जाकर इतनी तकलीफ उठाती है, तुझे इसका जरा भी एहसास नहीं? तुझसे सिर्फ 2 साल छोटा है वो वेलू। काम करके पैसा कमा के अपनी बहन की शादी करवाई और 10 तोले का सोना भी दिया उसने, और तू है जो काम नहीं करता। अच्छा छोड़, तूने जो ऑटो लिया है वो तो ठीक से चलाना चाहिए ना, पर वो भी नहीं, छोटे बच्चों की तरह क्रिकेट खेलने चला जाता है। तू जिम्मेदारी कब समझेगा? क्या माँ, मैं ऑटो ठीक से चला रहा हूँ ना, क्यों हर वक्त भाषण देती रहती हो? सब बदलेगा, थोड़ा शांत रहो। वो शांता बाई का बेटा बीच रास्ते में रोककर मुझसे किराया मांग रहा है। मेरे हाथ में जो 1200 रुपए थे वो भी उसने छीने। अब बस में जाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या हो गया माँ, थोड़ा शांत रहो ना, पैसा आ जाएगा। आएगा, तेरे पिताजी छत फाड़ कर देंगे। हाँ माँ, मेरे पिताजी छत फाड़ कर पैसे भेजेंगे और तुम वो सारे समेट लेना। टीवी है लेकिन चलेगी नहीं, खाट है लेकिन सो नहीं सकते, इजी चेयर है लेकिन बैठ नहीं सकते। तू चाहे तो ये सब ठीक कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। तुझे बोलकर क्या फायदा है, तू अपने बाप का ही बेटा। विक्ट्री की माँ, हाँ सीरियल चालू हो गया है। हाँ आती हूँ। सीरियल देखने के लिए टाइम पर पहुँच जाओगी? हाँ हाँ, मुझे टाइम पास करने के लिए यही एक साधन है, और मैं क्या करूँ। चल तूने गलती से रिमोट तो नहीं दबा दिया? मैंने कुछ नहीं किया, नहीं किया होगा। चाकू क्यों दिखा रही है? तुम्हें ये सब चाहिए? मुझे टीवी सीरियल देखने से रोक रहा था। सीरियल देखने के बजाय एड दिखा के दिमाग खराब कर देते हैं ये लोग। और तो लेट हो रहा है, प्रोडक्ट लॉन्च है, मुझे तुम दोनों से बात करनी है, लेकिन अभी चलो। तुम कह रही थी ना पैसा नहीं है, ये लो ये रख लो। कितनी बार बताऊं, मैं इंफोसिस ट्रेनिंग की मैनेजर हूं। बॉस आ गए, बाद में बात करती हूँ। आइए मैडम। आओ बेटा। अभी तक उस घर के लिए कोई किरायेदार नहीं आया क्या? अभी तक तो कोई नहीं आया मैडम, लोग देख के चले जाते हैं, पर इस घर का जो ब्रोकर है वो बहुत अच्छा इंसान है।